अगर कोई मच्छर एचआईवी पॉजिटिव होने वाले व्यक्ति को काटकर किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटता है तो क्या होता है? तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर कोई मच्छर एचआईवी पॉजिटिव होने वाले व्यक्ति को काटकर किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को काटता है तो एचआईवी नॉर्मल इंसान में ट्रांसमिट नहीं होता, क्योंकि मच्छर जब काटता है तो वे अपने शरीर के स्टोर किया हुआ खून को मनुष्य के ट्रांसमिट नहीं कर सकता। वे केवल लार को ही मनुष्य के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और मच्छर खुद एचआईवी पॉजिटिव संक्रमित नहीं होता, क्योंकि एचआईवी का वायरस मच्छरों के पेट में जिंदा नहीं रह पाता। यह वायरस मच्छर के पेट में उनके साथ ही पच जाता है। मच्छरों के शरीर में टी सेल्स नहीं होते, इसलिए वायरस को सांस नहीं मिल पाती है। इसके वजह से मच्छर के पेट में वायरस ज़्यादा देरी तक जिंदा नहीं रह पाते। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।